आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के कार्यालय में राज्य के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्वप्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में अपना योगदान दें। श्री चौधरी द्वारा उद्योगों द्वारा फ्लाई ऐश के परिवहन एवं निपटारे हेतु नियमों के पालन कड़ाई से कराने हेतु निर्देश दिया गया। फ्लाई ऐश लाने ले जाने के लिए उपयोग किए जा रहे वाहनों में जीपीएस सिस्टम व जियो ट्रेनिंग। पर्यावरण संरक्षण मंडल के सभी अधिकारियों की और जो रीजनल ऑफिसेस हैं उनके आरओस की सबकी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ कल हमने समीक्षा बैठक की है और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, एक तो फ्लाई ऐश जो डंप किया जाता है वो कहीं और लोकेशन के लिए निर्धारित रहता है, लेकिन कहीं भी फ्लाई ऐश को डाल दिया जाता है। इससे निपटने के लिए गाड़ियों पे जीपीएस सिस्टम लगाना और उसकी जियो टैगिंग करना ताकि जहाँ निर्धारित किया गया है उसी स्थान पर उसकी डंपिंग हो, इसे टेक्नोलॉजी की मदद से सुनिश्चित करने का सिस्टम डेवलप करने का मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है। और दूसरी ओर जो ऑफिस है उसमें सख्ती चुस्ती आए और लोगों को अच्छे तरीके से काम लोगों के काम हो सकें, इस दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जो कार्यालय हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा लगाना, अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना और हर एक चीज़ की कोई चीज़ पेंडिंग ना रहे उसके मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड रखना। जो सीसीटीवी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, जो डैशबोर्ड है उसको कहीं से भी मोबाइल पर या सेंट्रल सर्वर के माध्यम से हम कहीं से भी देख सकते हैं, इस तरह का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं।